यूरिया पोटास ये बाद में दिए, लेकिन एक बेस बाबे कम से कम पहले रुआ मवेशी जरूर देव पड़ी, लेनी जरूर देव पड़ी, अगर नहीं बार पर निर्भर करता खैनी कोनो साल ऐसा हो जाला कि महंगा बिकाला, जैसे लास्ट ईयर बिकाइल बा तो महंगा बिकाला, तो व्यापारी लोग हमने कच्चा बेच दिए सन खेत में करके बनाए, तो अगर मार निकल गई व्यापारी लगे चल गई है तब तो हमनियों के कुछ मिल जाए, और ना तो हमने ताकत रही लसन जो भाई कब आओ तरह जैसे लोग का अच्छा फायदा हो गई बा, मान ली 2000 लोग तो 5000 के बिका गई बा, बढ़ल कैसे बढ़ल बा, लेकिन यह सारा उम्मीद नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं है, ऐसे उम्मीद नहीं है कि जो खनी व्यापारी किन के ले गई है तो उनका यहाँ माल सवेरे उठ के आ सबसे पहल का काम बाकी खेत में लग गई सब भाई बदलल बा। अच्छा नया लगल बनी आज का लागल बा देखि मरकल बा धीरे धीरे लागी, अब बताई होते बड़ा थान हो के खराब हो गई त रिस्क के नुबा त रिस्क के बाटे ओकरा बाद में का होला जब ई छूट जाई जब ई छितरा जाई त साइड से हमें पचकी देवे लगी। अच्छा उपज की तो और एक हफ्ते में एक बार तुरवावे के पड़े जाना लगा साइड से निकला था, देखते नहीं थे साइड से निकला था पचकी निकला था साइड पचकी से निकला था। हां हां तो जब पचकी निकला था तो लेबर ना मिली, पचकी जितने ही बढ़ी उतने रुआ फसल खराब करी, तो और अपना हाथ से भी तुरे के पड़ी पचकी तुरंत। जी जी बराबर कंपनी अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा जी, हमनी के अभी बानी सन सुरती के खेत में, मतलब की खैनी के खेत में, कहल जाला ए भाई तनी खिली खैनी देबा, जब खैनी के नशा हो जाला तो कुछ भी करता नहीं, गाड़ी चलावता नहीं, ट्रक चलावता नहीं, मोटरसाइकिल चलावता नहीं, कोनो गाड़ी चलावता नहीं, गाड़ी रोक के पहले खैनी बनी ओकरा बाद आदमी खाई ओकरा बाद गाड़ी आगे चली, तो खैनी के एगो लत होला, और खैनी ऐसा मादक पदार्थ बा जौन की बहुत कम दाम में मिलेला, और मतलब कि 5 रुपया के खैनी लेता नहीं अकेले खाए के बाद तो एक हफ्ता तक चली, मतलब इतना सस्ता मादक पदार्थ कहीं ना मिली। ठीक है बानी सन अभी जोगापुर कोठी में, जी हाँ कि जौन की बड़हरिया में पड़ी, बड़हरिया में पड़ी, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र और बड़हरिया प्रखंड में पड़ी जोगापुर कोठी, और देख सकता नहीं कि हमारा पीछे करीब 1 बीघा से ज़्यादा 2-3 बीघा तक पीछे खैनी ही खैनी बा, और रोड के पीछे हम चाहे कैमरामैन से दिखावे खातिर कि रोड के पश्चिम साइड में भी पूरा 2-3-4 बीघा में पूरा खैनी के खेती बा, मतलब कि जोगापुर कोठी खैनी के जौन की खेती बा जोगापुर में सबसे ज़्यादा होता, और भैल अब आगे खैनी के खेती कैसे होला, कितना लागत होला, कितना प्रॉफिट होला, ये जो सुरती बा एकर खेती में पूरा हमनी के जानम सन, खेत के मालिक हमरा साथ में बानी और कुछ जाना लोग बा जौन की सहाई कर रहल बा पीछे हम चाहे कैमरामैन से दिखावे खातिर, अश्वनी थोड़ा दिखावा थोड़ा जूम करके दिखावा, जाना लोग बा और मजदूरा लोग बा सब लोग खेत में घास जौन बा निकाल रहल बा खेत में, और लगातार हमनी के बनल बानी सन जौन सुरती के खेती बा कैसे होला, कब ओकरा के रोपल जाला, कितना प्रॉफिट होला, हालांकि प्रॉफिटेबल बा तबे देख सकतानी कि पूरा पीछे तक ले पूरा खैनी के खेते बावे, और रोड के पश्चिम साइड जाए उधर भी पूरा खैनी के खेत बावे, मतलब कि दोसर कोनो चीज के फसल नहीं के रोपल गल, सिर्फ खैनी के। थोड़ा अश्वनी पास में आ जा चचारा, और नाम का पड़ी राजू सिंह। अच्छा राजू सिंह हमरा साथ में मानी, ये सुरती जौन बा सबसे सस्ता होला, और एक खिली लिहल जाला दांत तो दबावल जाला पूरा, मतलब कि रिमझिम हो जाला मौसम पूरा, और सबसे सस्ता मादक पदार्थ कितना लागत बा एकरा में, और साल में कितना बार एकरा के रोपल जाला हमरा के बताई। साल में एकरा के एक बार रोपल जाला, साल में एक बार ओकरा बाद खेत खाली हो जाला, खेत खाली हो जाला, तो मैं लोग मक्का वगैरह रोपेला ऐसे भी जोत के छोड़ दे लोग, कुछ लोग गेहूं भी रोप दिला जेकर अर्लियर फसल हो जाला पहले, हां पहले गेहूं रोप दिला। अच्छा जेकर पहले हो जाला वो गेहूं रोप दिला, आना तो जोत के मकई को रोप लोग मूंग बाजरा रोपी लोग। अच्छा इस साल में एक बार खैनी के खेती होला, तो एक कट्ठा के ऊपर हमने के बात कर जाए, एक कट्ठा में देखल जाओ तो कितना के खाद और बिया लागी। देखिए ई अपना रुआ फसल लगावला पर बा, अपना देहला पर बा, जितने रुआ देव एमए खादर मवेशी खाद का ज़्यादा उपयोग करी लसन हमने का, लेड़ी करुई के उपयोग कर जला, कृत्रिम खाद ओकरा बाद दियला, डाई यूरिया पोटास ये बाद में दिए, लेकिन एक बेस बाबे कम से कम पहले रुआ मवेशी जरूर देवे पड़ी, लेड़ी जरूर देवे पड़ी, अगर नहीं दे तो ना हुई, मतलब कि मवेशी के खादर ना तो लेड़ी जरूर देवे पड़ी। खाली रहा यूरिया डाई ना नहीं तब तो ना हो रहा, तब पीला पीला खेत हो रहा, जैसे देख ली सामने कुछ भी ऐसा भी फसल बा जो एकदम छोट बा। अच्छा तो रुआ में रुआ जितना दे सकते नहीं, रुआ अपना कैपेबुल बाबे जितना लगा सकते नहीं, अच्छा लगाए तो अच्छा पाए, ना अच्छा लगाए तो घाटा का रोजगार। अच्छा एक कट्ठा पर देखल जाए प्रॉफिट कितना निकल के आई, अगर एक कट्ठा बढ़िया लगा के कल जाता, जैसे कहीं पेड़ भइल बाबे कितना हरा भरा पेड़ बाबे, बहुत मजबूत एक डांट भइल बाबे, पत्ता भी बहुत मजबूत बा, अच्छा खैनी बा, बहुत अच्छा क्वालिटी बा, तो एक अगर देखल जाए एक कट्ठा में कितना प्रॉफिट अगर देखल जाए बढ़िया से निकलता। एक कट्ठा में जैसे
व्यापार पर निर्भर करता है। खैनी कोनो साल ऐसा हो जाला कि महंगा बिकाला, जैसे लास्ट ईयर बिकाइल बा तो महंगा बिकाला, तो व्यापारी लोग हमने कच्चा बेच दिल सन खेत में बनाई लेसन ना, वो लोग कीन के ले जाकर बनावेला अपन तैयार करेला अपना व्यापारी से बेचेला, तो लोग अगर मार निकल गई व्यापारी लगे चल गई है तब तो हमनियों के कुछ मिल जाए, आ ना तो हमने ताकत रही लेसन जो भाई कब आओ तरह आके ले जा, ऐसा हो जाला, ऐसा हो जाला खेते में रह जाला, ऐसा हो जाला। लेकिन रिस्क लिया है मैं क्या कि दूसर फसल अगर कुछ मिलल कट्ठा में, मान लीजिए कट्ठा में रुआ 4,000 रुपये का कट्ठा बिका गए, 3,000 रुपये कट्ठा बिका गए एवरेज, तो रुपये 1,500 तो जरूर लग जाए। अच्छा, एक माने 50% लागे, 50% रुआ जितना भी 50% लाग गए, और अगर भाग अच्छा बा मेहनत करते नहीं तो ओकरा दूना में बिका सकता जितना लागत कैला बनी, आ नहीं खेतों में कम रेंज हो जाए तो लोग अथक परिश्रम करेला यहाँ। अच्छा, ऐसा नहीं खेत चाचा जी कि नुकसान हो जाला कभी? हाँ, नुकसान हो जाला, नुकसान जो लागत से जैसे लास्ट ईयर हो जाए नीचे रोपाइल खैनी 7,000 में खर्चा लागल रोपे में 5 कट्ठा में आ 4,000 में बिकाइल, मतलब नुकसान गई, नुकसान चल गई। लेकिन ऐसा अदा कदा होला, ऐसा हो जाला हमने कि यहाँ कि नुकसान अगर मिल गल तो मिल गल ना तो पूंजी आ जाला, पूंजी आ जाला, पूंजी आ जाला, यही रिस्क पर खेती होला। आना तो अगर मिल गई तो मान लीजिए अगर 4,000 रुपये कट्ठा बेचा तो 2,000 लोग तो 2,000 रुपये कट्ठा मिल गई हमारा, 2,000 रुपये कट्ठा मिल गई, मिल गई। अच्छा, ऐसा लोग हो जो कि खैनी के खेती लीज पर लेके जमीन करते हैं? हाँ, बालोग बालोग। फिर वो लोग कैसे? वो लोग मान लीजिए वो लोग बटैया जैसे आधा पर पहले चलत रहा, तो पहले आधा पर चलते लोग मवेशी रखत रहा अपन गोबर डालत रहा, अब ऐसा बात नहीं है, अब लोग 500, 600, 700 रुपये कट्ठा के हिसाब से लेके चलता, तो कट्ठा तो मेहनत दिन भर मजदूरा टाइप के लोग बाबू करेला, लोग सब करेला, और वह मान ली कि अगर 4,000 रुपये कट्ठा बेचा गई तो 2,000 मिल गए ओकरा, तो 500 चाहे 600 चाहे 700 मालिक के दी बाकी ओकरा अपन भइल, मेहनत में बहुत बा, सिंसियरिटी बहुत बा। अगर रुआ लापरवाही करब रोज रुआ खेत में आओगे पड़ी, रोज रोज देखे, रोज रोज या रोज देखे के बा, आज ही थान रुआ ठीक लगता काली कोरी हो जाए ऊपर से मुड़े लगी ग्रोथ ना करी, ऐसा बात बा। हाँ, ऐसा बात बा, एक अगर वह बदले के पड़ी यहाँ रोज काम बा, अगर वह 1 बीघा खानी रोपल तो 5 गो लेबर वो रोज चाहिए। अच्छा जी, तो बहुत मतलब कि लेबर लेबर के लेबर के लेबर लेबर कॉस्ट तो बढ़ जाता, बहुत लेबर कॉस्ट बढ़ेला, तब न लग जाला इतना लेबर कॉस्ट बढ़ेला, हाई रिस्क फैक्टर बा। हाँ, हाई रिस्क फैक्टर, रिस्क पर ही सब काम होला, रिस्क ना ले कोनो बात। अब मान लीजिए सवेरे 9 बजे से जाना बैठल बड़े, अभी जाके देखी उतना ज्यादा 10 जना बड़े 2 कट्ठा निकल सोल घास बरसात अधिक हो गई, खेत जोतैली सन तो खेत ही सब जोतैली सन बैसाख में जेठ में, जो ना बड़ा लोग कोशिश कर लगे पूरा दूब पौधा सूख जाओ, लेकिन वह जोता ना पावल हो तो बड़ा रिस्क लागत अधिक बा, जैसे है पर कुछ ना रहा जी, अच्छा जी। लास्ट ईयर जैसे लोग का अच्छा फायदा हो गई बा, मान लीजिए 2,000 लोग तो 5,000 के भी आ गई बा, ऐसे उत्सुकता बढ़ल बा, ऐसे बढ़ल बा। लेकिन यह साल उम्मीद नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं है, ऐसे उम्मीद नहीं है कि जो खनी व्यापारी कीन के ले गई है तो उनका यहाँ माल अभी पड़ल बा, हमने के जगह विषय में जानत रहता है सन पूछत रही सन ऐसे, अब चूंकि पर साल लास्ट ईयर मिलल बा तो ऐसा लोग तो नहीं जो करेला वह करेला सब ना करेला सब से ना हो पाई ना सब से ना। अगर केहू चाहता खैनी के बिजनेस करे के तो करा के का राय देम? बिजनेस देखिए तो हमने के खेती करते हैं सन, बिजनेस अगर हमने के ना करेला सन परंपरागत खेती बतरुआ निभावत नहीं करे, निभावत नहीं परंपरागत खेती करे। अगर केहू बिजनेस करे के चाहता ओकरा के कोबरा हुआ का राय देम, जैसे कि वह बहुत दिन से खेती रोरा परिवार में घर में होता होता, अगर केहू चाहता कि 5 कट्ठा खेत हम लीज पर लेके हुंडा पर लेकर के हम खेती करे के चाहता तो का राय देम? तो जानते नहीं का होला नया किसान के का राय, हम बताओ तो नहीं रुआ नया किसान के, जैसे ये लोग करेला लोग जब खेती है रुआ क्यों किसान से पूछी जे भी खेती करता चाहे हुंडा पर ले लो के चाहे गिरा खेत के मालिक बा, वो कह जाए आगे साल से ही ना करब। हाँ, आगे साल से ही खेती ना करब, आ जब बेचाए लागी 10 रुपया मिल जाये तो कह रुको हो खेतवा में रूप देते नहीं। ये बात भाई मैं मतलब कि वही बात हो गई कि एगो फिल्म में डायलॉग रह के एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तेजी आ गई कि एक चुटकी खैनी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वो में ये होला। लेकिन दोसर हमने खातिर कोनो विकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं जी, मान ली कि गन्ना है रोपा तो पहले इतना नुकसान है जो गन्ना के रुआ गन्ना रूप के का करबे, इतना गन्ना रोपा जी रुआ ओकरा के रोकब, एकरा में यह बात है कि ना मवेशी चरी
आने के कच्चा में उठा के ले जाए। अच्छा, चोरी के डर नहीं है? चोरी के डर नहीं है, नुकसान के डर नहीं है। नुकसान के डर नहीं जी। अच्छा, नीलगाय ना खाए सके? नीलगाय एकरा के ना खाए सन, दौड़ जे सन तो भले पत्ता तो तोड़ दिए सन, लेकिन नीलगाय ना खाए सन, कोनो फसल ना खाई, कोनो बकरी ना खाई, दोसर फसल रोप दे तो खाई। तो हमनी के ई मजबूरी भी कुछ बावे, नया किसान के राय ना देनी हरवा? ना राय दिले सन, ना राय दिले, खैनी के राय ना दिले ना जी। है के बा उहे करला जो जानता, असर सारा लोग जानता। मैंने अगर बहुत दूर के लोग के हो को बगल में खेत से परती पर होगा, कैमरा में अगर बहुत दूर के लोग ये वीडियो देखता, माने बाहर के लोग, माने आंध्रा के लोग, चाहे आंध्रा गोरे में तो लोग कहला, लोग व्यापारी लोग कि उन्हें समझ के खनी ले आई लेसन। लेकिन उन्हें के किसान, अगर एजी के किसान से कुछ जाने के चाहते हो तो क्या राय दें कि ना करो खनी, खेती ना करो? अब ना करो हम काहे कहब जे ना करो भाई। मान लगी हमरा लास्ट ईयर कुछ मिल गइल बा, ए साल वही आशा पर कइले बनी, अगर रेहू साल कुछ मिल जाए तो वो तो गृहस्थ कह कि भाई यहाँ के गलत बात कहते नहीं जी, जी, जी। लेकिन कुछ ना कुछ मिले ला, अगर घाटा का सवाल नहीं है, अगर साफ मान ले कि पत्थर पड़ जाओ, टूट जाओ, तब तो घाटा लगे। हाँ, जैसे प्राकृतिक विपदा भाई खूब भइल बा, बड़ा पत्थर पर सब बराबर कर दियो सब फसल, अगर प्राकृतिक विपदा ना होके तो कुछ ना कुछ देके जाए, कुछ ना कुछ देके जाए। राजू चाचा बताओ, बदलल भाई देखिए सब भाई बदलल बा। अच्छा, नया लगल बनी आज का लागल बा? देखिए मरकल भाई धीरे धीरे लागी, अब बताई होते बड़ा पसान हो के खराब हो गई तो रिस्क न बा? तो रिस्क बाटे बिल्कुल। हाँ भाई देखी है, ये पौधा जोन बा जे के खराब हो गल तो दूसरा जगह से एकरा के बिया मतलब रखल गइल बा, के सोनी पीछे दिखाओ, हे जी से कबाड़ के लिया के जी रोपल गइल बा कि जी ये नया धीरे धीरे जामे, देखिए मरक गइल बा, मतलब कि दूसरा जगह से उखाड़ के लिया के लगावल गइल बा, मरक गइल बाटे, दो तीन दिन में फिर सीधा होई लागी, एकरा पानी भेटाई, मतलब एकरा पर हमरा बुझाते एकरा पर रोज ध्यान देवे के पड़ी जी, रोज तो सारा फसल पर ध्यान देवे के पड़ी, एकरा पर तो विशेष ध्यान देवे के पड़ी। नहीं तो लाग गइल भाई, तो लाग गइल तो पानी आज दियाई फिर काल दियाई ई लाग जाई, लाग जाई जी, लाग जाई, माने विशेष पूरा। हां हां हां, हर चीज कर बा ध्यान बा, कौन फसल खराब भइल, कौन पौधा खराब हो गइल, उहा घास फूस तो नहीं खे, ओकरा के साफ करे के पड़ी, ओकरा बाद जब ई तैयार हो जाइनु, सबसे प्रॉब्लम अभी रोपला में और हाथ में तैयार कर कुछ नहीं करा। एक है देखी है ना, बताओ एक है माथ मानो जैसे ग्रोथ करता। हाँ। अगर एक छोड़ दे तो का खराब हो जाए, एक अब हेजा बाल लोग हेजा अथी से मार दी लोग माथ। अच्छा, इसको मार देगा लोग, नहीं तो क्या कर देखिए ना, देखिए यहाँ फूल आ रहा है, देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मारा हुआ है। ओहो हो हो, तो मारा हुआ है तो मार देगा लोग, तो जब बढ़ेगा इतना आएगा तो छितरा जाएगा इसका पत्ता। अच्छा, ना मारा तो क्या हो जी? मैं तो भतरा ना हो जाएगी, सब पत्ता पत्ता छोट हो जाएगी, खराब हो जाए। अच्छा, तो ओमे ओकरा बाद में क्या होला, जब ये छूट जाए, जब छितरा जाए तो साइड से हमें पचकी देवे लगी। अच्छा, वो पचकी तो एक हफ्ते में एक बार तुरवावे तो पड़े जनल लगा के। बाप रे, तो लेबर कॉस्ट तो बढ़ बहुत, लेबर कॉस्ट ना रहे तो बीघा के तो 10 बीघा रोप जी दिए। हाँ, कितना हो बड़ा की रस्त बड़ा 2 बीघा 3 बीघा से टेक्निकल ज्ञान भी होके के चाहिए जनरल बता जी, तो यहां आम लोग के जानकारी बा, आम लोग जानत आम लोग जानकारी बा। अब अगर साइड नया किसान अगर सोचत होकस तो नाही करस तो ठीक बा, माने हमनी के तो राय ना देब सन भाई, अब चूंकि हमनी के परंपरागत ये बोलो दूसर विकल्प नहीं है, दूसर विकल्प नहीं है, आ यही से 200 रुपया ले गेहूं रोपी ले सन, ये बराबर 1500-1600 का भाव बा जी, गेहूं खेत गेहूं लागल बा आ केहू ग्राहक नहीं है, है तमाम में मक्का रहा, बैसाख हुआ मक्का रहा तमाम में, मकई पीट पीट के सब धराइल बाबे, 10 से 11 से भाव लोग मांगता, तो उतना लागत भाई नहीं है, एमे कम से कम घाटा ना लगी, घाटा ना लगी, लेकिन रिस्क बात, रिस्क तो बहुत बा, इतना आसान होला हमने के केहू से एक खिली खैनी मांग के खा लेला, वो आसान बा, बड़ा आसान बा, एक खिली खैनी दे दी हमने के, बस मलल जाइए मल के, बस दांत दाब के निकल चले जाए, लेकिन कितना मेहनत से खैनी होता, मतलब कि एक चुटकी खैनी जोन बा, एक चुटकी वो इतना मेहनत से होता, राजू चाचा बताओ तनी कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाता, अगर टेक्निकल ज्ञान नहीं है तो खेती ना हो पाई, पौधा खराब हो जाए, जैसे और पौधा खराब हुई केहू ना खरीदी, जैसे चाचा जी बताओ के कच्चा हमने के बेच दिले सन, उलूल काटी लो, सुखाई लो, करा के पूरा प्रोसेसिंग करी लो, ओकरा बाद बेची लो, बनाई लो, तो बहुत मेहनत बावे, रोपला से लेके बना के बाजार तक उतारे तक पसीना पसीना छूट जाए, पसीना पसीना छूट जाए, तो सबसे अच्छा बा कि एक चुटकी मांगी खाई धीरे से निकल जाए, लेकिन यो दिक्कत बा कब तक केहू एक चुटकी मांगी या कब तक केहू दी, ऐसे खेती जो नया किसान करे के चाहता वो ध्यान से करो, समझ के करो, पहले अध्ययन करो, कोनो भी बिजनेस अगर वह शुरू करे के चाहता नहीं तो पहले अध्ययन करी कि बात करी केहू सक्सेसफुल किसान बात वो से बात करी कि का इमें नुकसान बा का फायदा बा कितना प्रॉफिट हो जाए 1 कट्ठा में 2 कट्ठा में 5 कट्ठा में ओकरा बादे करी खेती। हम रहनी अमरजीत कुमार गिरी बढ़रिया सिवान जिला से।